सो गाइस, आज सीन कुछ ऐसा होता है गाइस, मैं यूं ही पोची नॉक पे लूट वगैरह करता रहता हूँ, ठीक है। एंड गाइस, लूट करने के बाद यहाँ पे मैं डबल डोर में आता हूँ, और गाइस मैं जैसे डबल डोर पे इधर लूट वगैरह करता रहता हूँ, ठीक है। लूट करने के बाद जब गाइस यहाँ से मैं इस डबल डोर की खिड़की के साइड आता हूँ, तब तक गाइस मैं देखता हूँ यहाँ पे सामने वाले घर में गाइस एक बंदा रहता है, जो कि गाइस मेरे को यहाँ पे हूबहू अज्जू भाई लगता है, ठीक है। तो बस क्या था गाइस, मैं उसको यहाँ पे धीरे धीरे मतलब उसको देखना स्टार्ट करता हूँ। एंड गाइस मैं उसको मतलब सोचता हूँ क्यों ना गाइस अज्जू भाई को हम लोग यहाँ पे फॉलो किया जाए, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो, अज्जू भाई फिलहाल में अपने टीममेट्स के साथ वहाँ पे आगे जाता रहता है साइड से डबल डोर के साइड, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना गाइस मैं भी उधर ही कहीं डबल डोर के आसपास चलता हूँ और अज्जू भाई को वहाँ पे पीछे से मैं देखता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखो, मैं डबल डोर पे आ गया था, एंड गाइस जो मेरा टीममेट्स था ना, मैं अपने टीममेट्स को इधर पीछे बुलाता हूँ। तब तक गाइस मैं देखता हूँ अज्जू भाई डबल डोर के घर से नीचे कूदते हैं, एंड गाइस आगे के साइड निकल पड़ते हैं। तो फिर क्या था गाइस, मैं भी यहाँ पे अज्जू भाई को पीछे पीछे उनके मतलब उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देता हूँ। तब तक मैं देखता हूँ गाइस अज्जू भाई जो अपना हवेली होता ना, हवेली के घर के अंदर चले गए थे। तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, और उसके बाद गाइस मैं भी यहाँ से मतलब निकल पड़ता हूँ हवेली के साइड अज्जू भाई के पीछे पीछे। मैं देखना चाहता था आखिर अज्जू भाई कर क्या रहे हैं, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे देखना अभी क्या तो सीन होगा गाइस। देखो मैं जैसे ही हवेली के साइड जाता हूँ गाइस, देखो अज्जू भाई उधर बाहर के साइड लूट वगैरह करते हैं। तो मैं सोचता हूँ भाई चलो भाई अब एक काम करते हैं, अभी अपन लोग जल्दी से शॉर्ट में चलते हैं, ठीक है। शॉर्ट में चलने के बाद एक काम करेंगे, अज्जू भाई को देखते हैं अज्जू भाई आखिर कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो मैं थोड़ा इधर उधर जाता हूँ, एंड उसके बाद गाइस यहाँ से देखो मैं जैसे शॉर्ट में जाने के बाद गाइस यहाँ पे मैं देखता हूँ अज्जू भाई किसी मतलब लड़की के साथ यहाँ पे टीम अप कर लिए थे, ठीक है। मतलब देखो गाइस उसको बार बार फिस्ट वगैरह मार रहे थे। तो मैंने भी एक टाइम के लिए सोचा कि गाइस क्यों ना अपन लोग भी अज्जू भाई के साथ टीम अप किया जाए। तब तक गाइस मैं यहाँ पे देखता हूँ गाइस, यहाँ पे देखो कार से एक और लड़की आई, और वो भी यहाँ अज्जू भाई के साथ टीम अप कर लेती है, और गाइस अज्जू भाई भी उन लोगों के साथ टीम अप कर लेते हैं। तो भाई मैं भी सोच रहा था, भाई मेरे भी मन में हो रहा था कि क्यों ना गाइस अपन लोग भी अज्जू भाई के साथ चल के यार टीम अप किया जाए। आखिर मान लो अज्जू भाई वो जब उन दोनों लड़कियों के साथ टीम अप कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखो मैं भी अज्जू भाई के सामने आता हूँ, और अज्जू भाई के सामने यहाँ पे उठना बैठना स्टार्ट कर देता हूँ, मतलब अज्जू भाई से टीम अप करता हूँ, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे देखो अज्जू भाई भी हम लोगों के साथ टीम अप कर लेते हैं। मतलब भाई मैंने सोचा नहीं था यार कि अज्जू भाई हम लोग के साथ टीम अप कर लेंगे लिटरली। मतलब एक देखो, एक एडम के साथ कोई भी टीम अप नहीं करता, लेकिन गाइस अपने अज्जू भाई ने यहाँ पे टीम अप किया। एंड मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं काफी ज्यादा हैप्पी था, लेकिन भाई मेरे को एक चीज सही नहीं लग रहा था। गाइस वो जो लड़की लोग थी ना, वो यहाँ पे लॉल दिखा रही थी शायद से हम लोग को देख के, शायद से हम लोग एडम थे इसलिए। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं गाइस, अपन लोग को तो अज्जू भाई से मतलब है, अज्जू भाई ने हम लोग से यहाँ पे टीम अप कर लिया ना। एंड गाइस यहाँ पे देखो अज्जू भाई के देखते देखते गाइस यहाँ पे देखो कितने सारे बंदे यहाँ पे अज्जू भाई से टीम अप करने आ जाते हैं। मतलब शायद से ये एक दूसरे के टीममेट्स होंगे, ठीक है। लेकिन गाइस मैं तभी दिखता हूँ ये दो लड़कियाँ रहती है, ये गाइस हम लोग को धोखे से यहाँ पे पीछे से डाउन कर देती है। एंड गाइस डाउन करने के बाद यार हम लोग को इमोट दिखाती है, भाई लिटरली यार मेरे को समझ में नहीं आता कि आखिर हम लोग के साथ ऐसा क्यों की। लेकिन गाइस यहाँ पे देखो अज्जू भाई शायद से इन दोनों को मना कर रहे थे, बार बार फिस्ट मार रहे थे, ठीक है, कि भाई उनको ना मारो। लेकिन उसके बावजूद भी यार ये लड़की देखो हम लोग यहाँ पे डाउन कर दी। डाउन करने के बाद गाइस ये हम लोग को लॉल दिखाती है। क्यों गाइस ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि एडम भी इस गेम का एक हिस्सा है। पता नहीं इन लोग को एडम के साथ इतना मतलब जेलसी क्यों होता है, क्यों यार ये लोग बार बार मतलब डाउन कर देते हैं। और गाइस डाउन करने के बाद इमोट दिखाते हैं, शायद से यार हम एडम लोग के पास अच्छे खासे ड्रेस नहीं होते हैं, क्या पता अगर हम लोग के पास अगर क्रिमिनल्स होते या फिर अच्छा खासा टॉप अप वगैरह करके हम लोग अच्छा ड्रेस पहनते तो शायद से ये लोग हम लोग को मतलब डाउन ना करते, शायद से हम लोग से टीम अप वगैरह कर लेते। लेकिन गाइस कोई बात नहीं यार, अब इनके लिए तो हम लोग हर एक चीज़ चेंज तो नहीं कर सकते। हाँ लेकिन गाइस अपन लोग गेम प्ले के दम पे गाइस इनको नीचा जरूर दिखा सकते हैं, इनका जो एटीट्यूड हो एटीट्यूड को तोड़ सकते हैं, जो कि गाइस इन लोग बार बार मतलब हर किसी को डाउन करके इमोट दिखाते हैं ना। गाइस आज अपन लोग इनको ना डाउन करेंगे, डाउन करने के बाद आज अपन लोग इनको इमोट दिखाएंगे, इनको दिखाएंगे गाइस कि एक नूब प्लेयर जो एक एडम को इन लोग नूब प्लेयर समझते हैं ना, वो एडम क्या क्या कर सकता है, ठीक है। एंड हाँ गाइस आप लोगों के लिए एक और बात लेके आया हूँ मैं, ठीक है। गाइस आप लोग को पता होगा मैं अपनी हर एक वीडियो में आप लोग का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के बारे में बताते रहता हूँ। एंड गाइस मेरे को पता है आप लोगों में से बहुत से भाई लोग के पास मोबाइल नहीं है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो मेरे पास एक एक्स्ट्रा आईफोन पड़ा है, और गाइस मैं आप लोगों में से किसी एक बंदे को ये आईफोन दे दूंगा, ठीक है। गाइस आप लोगों को करना कुछ नहीं है, वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करो, वॉच करने के बाद गाइस उस वीडियो का स्क्रीनशॉट लो, और गाइस मेरे को इंस्टाग्राम पे nalla61 जाके उस पे गाइस टैग कर दो, ठीक है। तो गाइस आप लोगों में से किसी एक बंदे को मैं वो मोबाइल दे सकता। एंड गाइस यहाँ पे फिलहाल में अभी अपन लोग गेम में आते हैं। गाइस यहाँ पे देखो मैं जैसे ही मतलब हवेली के साइड आता हूँ, गाइस यहाँ पे देखो सच्ची वही लड़की लोग की स्क्वाड आती है, जो कि गाइस हम लोग को अज्जू भाई के सामने वहाँ पर डाउन करके इमोट दिखाती है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो मैं भी शॉर्ट में आता हूँ, एंड गाइस इन लड़की लोग को क्या ही, तो तीनों को टप्पा टप वन टैप मारता हूँ। वन टैप मारने के बाद गाइस मैं
सोचता हूँ क्यों ना गाइस इन लड़की लोग को जाके गाइस इमोट दिखाया जाए, क्योंकि भाई ये लड़की लोग कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखा रही थी, मतलब हम लोग यार डाउन करके इमोट दिखा रही थी, ठीक है। तो भाई मैं जाता हूँ तुरंत शॉट में, एंड गाइस यहाँ पे देखो मैं इनको इमोट दिखाना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तभी गाइस यहाँ पे देखो अपने अज्जू भाई पीछे से आ जाते हैं, एंड मैं लिटरली बता रहा हूँ अज्जू भाई हम लोग को मारने वाले थे, लेकिन गाइस अज्जू भाई ने हम लोग को देखे गाइस यहाँ पे मार रहे हैं, जैसे अज्जू भाई ने हम लोग को यहाँ पे पहचान लिया था। तो गाइस यहाँ पे देखो मैं तुरंत आगे के साइड जाता हूँ, गाइस वहाँ पे लास्ट वाली लड़की बची रहती है ना गाइस, इसको भी मैं लॉल दिखाता हूँ। लेकिन गाइस देखो अज्जू भाई साथ से यहाँ पे मना वना कर रहे थे कि मतलब लॉल वगैरह नहीं दिखाने के लिए, आप लोगों ने देखा अज्जू भाई ने वहाँ पे फिस्ट वगैरह चला रहे थे, तो मैंने सोच लिया चलो भाई कोई बात नहीं, अब अपन लोग किसी को भी डाउन करेंगे तो इमोट वगैरह नहीं दिखाएंगे, ठीक है। एंड तभी उसके बाद गाइस यहाँ पे देखना अभी क्या तो सीन हो जाएगा, गाइस यहाँ पे देखो अज्जू भाई के साथ साथ यहाँ पे दो और येल्लो क्रिमिनल आ जाते हैं, ठीक है। शायद से मेरे ख्याल से मेरे को लग रहा था गाइस ये शायद से अपने अज्जू भाई के टीममेट थे, जो भी सीन हो। तो गाइस देखो हम लोग भी यहाँ पे इन लोग से टीम अप कर लेते हैं, एंड गाइस यार देखो मेरे को ये येल्लो क्रिमिनल बहुत सही लग रहे थे, लेकिन गाइस अचानक से हम लोग को लॉल दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, एंड गाइस देखते देखते गाइस ये देखो ये येल्लो क्रिमिनल हम लोग को डाउन कर देते हैं। और भाई मेरे को समझ में नहीं आता आखिर सीन क्या चल रहा है भाई, एक टाइम तो इन लोग टीम अप कर रहे थे और गाइस अचानक से इन लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है, और भाई ये बंदे हम लोग को डाउन करके गाइस यहाँ पे देखो हम लोग को लॉल दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। और भाई सबसे बुरा मेरे को इस बात का लगता है गाइस यहाँ पे देखो अज्जू भाई भी रहते हैं, और भाई ये बंदे अज्जू भाई के सामने ही इमोट दिखाते हैं, और गाइस अज्जू भाई यहाँ पे कुछ भी इनको नहीं बोलते, मतलब फिस्ट तक नहीं मारते। भाई लिटरली मेरे को गुस्सा तो काफ़ी ज़्यादा आता है और बुरा भी लगता है। तो भाई मैंने सोच लिया था भाई अब मैं किसी के भी साथ टीम अप वगैरह नहीं करूँगा, अब भाई मेरे सामने जो बंदा भी आ जाए मैं सबको यहाँ पे मारूँगा, मेरे को सभी बंदों से यहाँ पे रिवेंज लेना है, ठीक है गाइस। कोई भी हो, वो अज्जू भाई भी हो, मेरे को अज्जू भाई से भी यहाँ पे रिवेंज लेना है, ठीक है। हाँ बट उससे पहले गाइस मैं आप लोगों से एक बात बोलूँगा, यार आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो, मतलब वीडियो देख के चले जाते हो, भाई क्यों यार, अपने भाई को भी सपोर्ट कर लिया करो, बहुत से यूट्यूबर को सपोर्ट करते हो लेकिन गाइस मेरे को नहीं करते, पर प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर लो, जो भी चैनल पर नए आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। एंड गाइस हो सके ना तो एक बार कमेंट बॉक्स में #NoTopUp जरूर लगा देना। और गाइस यहाँ पे देखो मैं जैसे ही जोन के साइड से आगे जाता हूँ गाइस यहाँ पे देखो मेरे सामने एक बंदा रहता है, और गाइस मैं उस बंदे को गंदा वाला वन टैप मार देता हूँ, ठीक है। जैसे वो येल्लो क्रिमिनल मेरे को लगता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो मैं तुरंत शॉर्ट रन में जाता हूँ, एंड गाइस मैं जैसे इस बंदे को मारने के लिए जाता हूँ गाइस मैं देखता हूँ भाई यहाँ पे तो अज्जू भाई और गाइस ये वही लड़की लोग की स्क्वाड रहते, ठीक है। तो गाइस मैंने सोचा भाई मेरे को भी तो इनसे बदला लेना है इन्हीं की मतलब स्टाइल में, गाइस देखो ये बंदे भी स्टार्टिंग में हम लोग से टीम अप करते हैं, टीम अप करने के बाद गाइस लास्ट में हम लोग को धोखा देते हैं, ठीक है। तो भाई मैंने भी सोचा था मैं भी इनसे टीम अप कर लेता हूँ अभी फिलहाल में, एंड गाइस इनको मैं भी मतलब इन्हीं के स्टाइल में लास्ट में धोखा दूंगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो हम लोग ने इनसे मतलब अच्छा खासा यहाँ पे टीम अप कर लिया, टीम अप करने के बाद गाइस देखो हम लोग इधर उधर मतलब ऐसे ही मतलब घूम रहे थे, ठीक है। और गाइस यहाँ पे देखो अपने अज्जू भाई भी पास में रहता है, मैंने सोच रहा था भाई जैसे ही मेरे को मौका मिलेगा ना मैं गाइस यहाँ पे सबको मार के यहाँ पे इमोट वगैरह दिखाऊंगा, ठीक है। तब तक गाइस मैं देखता हूँ भाई यहाँ पे देखो अज्जू भाई फायर करता है, एंड गाइस यहाँ पे देखो देखते देखते इन लड़की लोग को डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो भाई मैं यहाँ पर थोड़ा सा मतलब टीम अप करने का मतलब यहाँ पर नाटक दिखाता हूँ ताकि गाइस इनको लगे ना कि मैं इनके साथ चीट करने वाला हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे देखो मैं शॉर्ट में आता हूँ, गाइस यहाँ पे देखो अज्जू भाई को मैं मारना स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन गाइस यहाँ पे देखो अज्जू भाई भाग जाते हैं। तो गाइस देखो इनके फिलहाल में जो दो लड़कियाँ रहती है ना गाइस देखो मैं उन लड़की लोग को मारना स्टार्ट कर देता हूँ, एंड गाइस यहाँ पे देखो मैंने एक लड़की को यहाँ पे डाउन भी कर दिया था, ठीक है। डाउन करने के बाद गाइस मैं इधर उधर घूम रहा था भाई, मतलब बंदे कहाँ कहाँ से मार रहे थे मेरे को पता नहीं चल रहा था, ठीक है। और गाइस देखो एक बंदा मेरे को नीचे से मार रहा था, तो गाइस यहाँ पे देखो मैं आराम से स्कोप लेता हूँ गाइस उस लड़की को, मैं गंदा वाला वन टैप वहाँ पे नीचे की साइड मार देता हूँ, ठीक है। वन टैप मारने के बाद मैं फिर से इधर उधर घर के आसपास घूमता हूँ कि आखिर बंदे आखिर गए तो गए कहाँ, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे देखो मैं जैसे ही थोड़ा सा नीचे के साइड जाता हूँ तब तक मेरे को पीछे से वहाँ से फायर करने का वहाँ पे रेड डॉट आता है, ठीक है। तो भाई जैसे ही मैं फायर जाता हूँ गाइस मैं देखता हूँ वहाँ पे तो येल्लो क्रिमिनल है, एंड गाइस दोनों ही क्रिमिनल को यहाँ पे क्या ही तो वन टैप मारता हूँ, मतलब टपाटप दोनों को वन टैप। वन टैप मारने के बाद गाइस उनको देखो जल्दी से मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी जोन में जाता हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पे देखो जोन बहुत छोटा होने वाला था और गाइस मेरे को अज्जू भाई से भी अभी लास्ट में रिवेंज लेना था, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो मैं जल्दी जल्दी जोन के अंदर जाता हूँ, एंड गाइस मेरे को जहाँ तक लगता है गाइस यहाँ पे देखो अब हम लोग की स्क्वाड बची है और गाइस यहाँ पे दो तीन और बंदे बचे हैं, ठीक है। और दो तीन में से मेरे को पता था एक दो बंदे तो एक बंदा शायद अपने अज्जू भाई होंगे और बाकी के दो बंदे जो होंगे होंगे तो गाइस अपन लोग देख ही लेंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो जोन छोटा हो रहा था, अपन लोग भी यहाँ पे जल्दी जल्दी जोन के साथ निकल लेते हैं। और भाई तभी यहाँ पे देखो अभी क्या तो एक सीन हो जाता है गाइस, यहाँ पे देखो जो मेरे टीममेट्स होते हैं ना वो गाइस यहाँ पे अज्जू भाई के साथ यहाँ पे टीम अप कर लेते हैं, ठीक है। और गाइस अज्जू भाई भी यहाँ पे शायद से रेड क्रिमिनल देख के मेरे टीममेट्स यहाँ पे टीम अप कर लिए थे, तो मैं भी यहाँ पे ताली वाली मारता, मैंने सोच लिया भाई अब तो मेरे को यहाँ पर रिवेंज लेना है अज्जू भाई के साथ, क्योंकि अज्जू भाई ने भी हम लोग को भी एक टाइम पे मतलब धोखा दिया था, ठीक है। तो भाई हम लोग भी क्यों अज्जू भाई को छोड़े, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो फिलहाल में मैं अज्जू भाई का यहाँ पे इमोट वगैरह दिखाता रहता हूँ ताकि
राजू भाई को लगे कि भाई मैं उनको देखने में बल से एडम लगता हूँ, लेकिन गाइस मैं बहुत पुराना प्लेयर हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं अज्जू भाई को इधर उधर इमोट वगैरह दिखाता हूँ। इमोट दिखाने के बाद गाइस यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ जोन आने का, और गाइस जैसे ही जोन आएगा ना उसके बाद गाइस मैं अज्जू भाई को यहाँ पे मारूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अज्जू भाई जैसे मेरे टीममेट्स को यहाँ पे मतलब डैमेज देते हैं, तो गाइस यहाँ पे देखो मेरे टीममेट्स उनसे टीम अप पकड़ करता हूँ, और गाइस तभी यहाँ पे देखो अज्जू भाई मेरे को यहाँ पे डाउन कर देते हैं, ठीक है। लेकिन गाइस यहाँ पे देखो लास्ट में मेरा बंदा रहता है, और गाइस मेरे बंदे ने यहाँ पे अज्जू भाई को मार देता है। और गाइस इसी के साथ हम लोग का यहाँ पर रिवेंज भी कंप्लीट हो जाता है। और गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर।